हेलो फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो में बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपना टाइप टू क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि किस पे बेस्ड है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके पहले हमने टाइप वन क्वेश्चन देखा था, इसका ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है, सो इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया टाइप टू। सो लेट अस सी। सो क्वेश्चन इज फाइंड द सम। मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये सीरीज है, याद करो मैंने पहले क्लास में सिखाया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, मतलब ये क्या है, सीरीज। तो मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 34, सेकेंड टर्म क्या है 32, और इसी तरह करते 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 लास्ट टर्म क्या है, ए एन बोलो या फिर एल बोलो, लास्ट टर्म कितना है 10, ठीक है। तो मुझे 34 से लेके 10 तक के सीरीज का सम निकालना है, मतलब 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 26 करते करते 10 तक के नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये पता करना, ठीक है। सो लेट अस सी। सो बेसिकली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, क्या हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे। 2 कब लगाते हैं, जब लास्ट टर्म दिया रहता है, तो यहाँ पे तो लास्ट टर्म दिया है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज एन बाई टू ए प्लस एल। बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सोचो। मेरे पास ए का वैल्यू है बिल्कुल है 34, मेरे पास एल का भी वैल्यू है 10, बट मेरे पास एन का वैल्यू नहीं है। तो यहां पे मुझे पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो फिर सम आ जाएगा। तो सबसे पहले चलो हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, एन का वैल्यू निकालने के लिए द प्रीवियस फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। तो ए एन मेरे पास क्या है 10, ए कितना है 34, प्लस एन मेरे पास नहीं है, वही तो फाइंड करना है, एन माइनस वन इन टू डी। डी कितना होगा, डी हो जाएगा 32 माइनस 34, डी का फॉर्मूला क्या था, ए टू माइनस ए वन, दैट इज 32 माइनस 34। तो 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा, माइनस 2, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। नाउ यहाँ पे सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो 10, 34 को इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस 34 इज इक्वल टू एन इन टू माइनस 2, तो माइनस 2n, और माइनस 1 माइनस 2 विल बी प्लस 2। नाउ 10 माइनस 34 विल बी माइनस 24, प्लस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 2n, माइनस 24 माइनस 2 विल बी माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 2n, माइनस माइनस कैंसिल, सो 26, 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू n, सो 2 वन जा 2, 13 टू जा 26, देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया 13, दैट्स इट। अब इस n के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, विल गेट द सम। चलो पुट करते हैं, सो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एन अपॉन टू, एन कितना आया था 13, सो 13 अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ए, ए कितना है 34, प्लस एल कितना है 10, दैट्स इट। सॉल्व कर दो, सो 13 अपॉन टू, 34 प्लस 10 कितना 44, नाउ 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 286, सो 286 इज आवर आंसर, क्लियर। सो इस तरीके से आप सीरीज को ऐड कर सकते हो। ये मैंने टाइप टू क्यों बोला, क्योंकि इसमें एन डायरेक्टली नहीं दिया है, पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा, फिर उस एन को इसमें पुट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। 1 में क्या था, लास्ट टर्म नहीं दिया है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, लास्ट टर्म दिया है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, ओके?